वहां जाने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मुझे भूल नहीं जाओगे। श्याम सुंदर इधर द्वारिकाधीश बने, सुदामा जब अपने घर पर पहुंचे हैं, इनका विवाह हुआ, उसी दिन से सुदामा गरीब होते चले गए। कितने गरीब हो गए सुदामा, दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगा। दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते हैं लेकिन भरते तो रोटी नहीं मिलती। सर्दियों में इतने भी वस्त्र नहीं है कि अच्छी तरह से अपने शरीर को भी ढक लें, वस्त्र है तो फटे बुरा है। रात का समय था, सुदामा घर पर लेते थे, पत्नी इनके पैर दबा रही थी और पैर दबाते दबाते एक बात सोची है, पता नहीं पूर्व जन्म में हमसे कौन सी बात हो गई और इसकी सजा आज में मिल रही। सारे दिन भगवान का नाम लेते हैं लेकिन भरते तो रोटी नहीं मिलती। सुदामा की पत्नी इसी बात को सोच करके रोने लगी और जब रोई तो आंखों से आंसू निकल करके गालों पर लकीर बनाते हुए सुदामा के पैरों पर जाके गिर पड़े। सुदामा उठ के बैठ गए, तुम रो रही हो क्या हुआ? सारी बात बताई। महाराज सारे दिन तो प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन ऐसी कौन सी भूल बन गई जो हमें घर पे भोजन भी नहीं मिलता, सर्दियों में इतने भी वस्त्र नहीं है अच्छी तरह से अपने शरीर को भी ढक लेते।